हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रखर वर्कबुक क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन देखा था एंड बेस असेसमेंट भी देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। यहाँ हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिन्हें विस्तारित रूप में लिखना है। क्या है 9071, तो यहाँ हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई में इसे डिवाइड करना है। तो जो हजार पे है वो है 9, सैकड़ा पे है 0, दहाई पे है 7 और इकाई पे है 1। इस तरह से हम आगे भी डिवाइडेशन करेंगे, जैसे 8081, तो यहाँ सैकड़ा पे है 0, दहाई पे है 8, इकाई पे है 1 और हजार पे है 8। नेक्स्ट संख्या है 37,990, तो यहाँ 10,000 पे है 3, हजार पे है 7, सैकड़ा पे है 9, दहाई पे है 9 और इकाई पे होगा 0। घ है 7,047, तो यहाँ हजार पे है 7, सैकड़ा पे है 0, दहाई पे है 4 और इकाई पे है 7। इस तरह से हमने डिवाइड किया विस्तारित रूप में संख्याओं को। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखें। तो यहाँ विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखनी है या विस्तारित रूप दे रखा है जिससे हमें संख्या में कन्वर्ट करना है। क्या है 40+9,000+9, तो यहाँ टोटली संख्या हो जाएगी 9,049। ख है 900+80+9+2000, टोटल संख्या हो जाएगी 2,989। ग है 3,000+80+1+200, टोटल संख्या हो जाएगी 3,281। घ है 700+70+80,000+9,000+2, टोटल संख्या हो जाएगी 89,772। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। यहाँ संख्याएं दे रखी हैं हिंदी में जिन्हें हमें विस्तारित रूप में लिखना है। क है 70,707, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 70,000, देन लिखेंगे 700, देन लिखेंगे 7। ख है 5,549, तो यहाँ 5,000 लिखेंगे जोड़ 500 लिखेंगे जोड़ 40 लिखेंगे जोड़ 9 लिखेंगे। इसी तरह से ग है 898, तो यहाँ 800+90+8 लिखेंगे। ख है 55,009, तो यहाँ 50,000 लिखेंगे, देन 5,000 लिखेंगे, देन 9 लिखेंगे। देन संख्या है 956, इसे लिखेंगे 900+50+6। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या लिखें। तो यहाँ कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनके स्थानीय मान दे रखे हैं और संख्या लिखनी है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता रखा है ह से ई दह, तो यहाँ है के नीचे लिख रखा है 2, से के नीचे लिख रखा है 7, ई के नीचे लिख रखा है 2, दहा के नीचे लिख रखा है 8। तो यहाँ संख्या बता रखी है जैसे 82,702। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसी तरह से नेक्स्ट करना है। ख ई पे है 7, से पे है 9 और द पे है 0, तो ये क्या बन जाएगा 907। इसी तरह से है नेक्स्ट, गे है पे दे रखा है 1, से पे दे रखा है 4, ई पे दे रखा है 8, दह पे दे रखा है 5 और दे पे दे रखा है 2। तो हजार में क्या है 1 और 10,000 में क्या है 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 51,428 जो है वो संख्या हो जाएगी इसकी टोटल। घे है पे 3, से पे 2 और ई पे 4, तो यहाँ इकाई पे 4 है, सैकड़ा पे 2 है और हजार पे है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3,204।
तो इस तरह से हमने वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन देखा। हम इसी तरह अन्य वर्कशीट का सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।